बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जेडीयू का सिंबल फ्रीज कर दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं चुनाव आयोग का इस फैसले को? अब इस संबंध में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा कि जेडीयू के जो हमारे नेता हैं वो सही जानकारी दे पाएंगे जाकर। लेकिन सर, एनडीए से इतर जो बाकी राज्य हैं, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में जेडीयू ने फैसला किया था कि बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ें। इस संबंध में जो भी फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं जाकर के, और कहीं भी सहयोगी दल जो हमारे हैं देश के अंदर में जाकर, इस संबंध में जो भी मतलब चुनाव लड़ा जाता है तो सब हाई लेवल पर होता है जाकर के। उस पर हम लोग का कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं जाकर के, इसलिए कोई इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लंबे समय से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से गायब थे, लेकिन जब आए तो अचानक वो कह रहे हैं कि बिहार में RCP टैक्स लागू है। कोई ऐसा टैक्स नहीं लागू है। बस देख रहा हूँ कि जब कह रहे हैं तो साक्ष्य और सबूत का धारा बोलना चाहिए, और वैसे कोई बात तो दिख नहीं रहा जाकर। और इस तरह से कहा करके किसी की छवि को ख़राब करना उचित नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि RCP सिंह लोगों से पैसा लेकर MLC बनवाते हैं। मेरे जानकारी में ऐसी बात है नहीं और ऐसा हुआ है, और इन बातों में कोई दम नहीं है, ये सब निराधार बातें जाकर। आज बिहार के सीतामढ़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिहार में जंगल राज फिर से लागू हो गया। हमारी सरकार में जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। घटना घटी है, हम भी दुखी हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। बिहार में किसी को कानून का हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। आप जहाँ से सर, गया टाउन से विधायक है, उसी क्षेत्र का एक मामला सामने आया है कि एक बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, फिर समाज के लोग उसी लड़की का सिर मुंडवा दिया। वैसे घटनाओं में तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन यदि कानून का सहारा लेने का हर व्यक्ति निर्णय करने लगे तो मैं समझता हूँ उचित नहीं जा करके। यदि लगा कुछ कहीं गलत कुछ हो रहा हो तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए था, और उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए जाकर। क्या उन समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? पूरी घटना की समीक्षा हम कर लेंगे। हमारा सुझाव इतना ही है कि यदि ऐसी कोई बात होती हो तो निश्चित तौर पर कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून कार्रवाई करेगी तो ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। पूरी घटना हम जरा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू करने के बाद बताना बेहतर होगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, LiveCities.in के लिए।